दिया कुछ खाने के लिए है। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ हिना सब आ रहा है? नहीं नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था, क्या सोचेगी यार वो, अच्छे मेहमान आए इनके, मुझे भूल ही गए। सोते हुए सोचने की सलाहियत सिर्फ तुम्हारे पास है और किसी के पास नहीं। बेला तुम्हें तो मेरी हर ये क्या, तुम दोनों की गोलमेज कॉन्फ्रेंस चल रही है जो खत्म होने में नहीं आ रही। और कहां है तुम्हारी वो दोस्त हिना, बुलाओ उसे खाने के लिए। वो उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। और तेरी काके, मुझे नीयत ठीक नहीं लग रही। चलो दोनों, सर जो कुछ लेकर आइए तुम लोगों के लिए देना है उसने। आशु पैन, ये ना बड़े मशहूर डिजाइनर है वहां का, कनाडा का, एक्सपेंसिव भी बड़ा है, उसकी मैं लेकर आई हूँ टी शर्ट बासम के लिए। इतनी कीमती टी शर्ट जो ली है, तो एक आधी पेंट भी ले लेनी थी साथ, ये जंजीरी वाली जो विक्की पहन के है। पाइन, आप यकीन करो, शायद आपको अंदाजा नहीं है, वहां भी बड़ी महंगाई हो गई हुई है। हाँ जी, अंदाजा हो रहा है, बखूबी अंदाजा हो रहा है आपकी फाका ज्यादा शक्लें देख के। इतिबा जी, ये चारकोल मास्क है, बड़ी मशहूर कंपनी का है, आपके लिए लाई हूं। इस उम्र में जरा जरूरत पड़ती है ना, स्किन सैग कर जाती है। एक मेरा है, थैंक यू। ऐसे ही तकल्लुफ किया तूने सजो, क्या जरूरत थी? बता तो रही है वो, जरूरत पड़ जाती है इस एज में, स्किन सैग कर जाती है। वो सजो, तूने मेरी पाजी के लिए भी तो कुछ लिया था, वो तो दो। होल्ड ऑन, इसके लिए तो मैं सबसे प्यारा तोहफा लेकर आई हूँ, अपनी स्वीटी के लिए। आए हाय, ये ले मेकअप की किट है, ये भी डिजाइनर की है, बड़ा मशहूर डिजाइनर है कनाडा में। बेटा ये एक मेकअप किट नहीं है, ये जादू की किट है, तू इससे मेकअप करेगी ना तू एंजेलिना जूली बन जाएगी। थैंक यू मानी, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। यू आर वेलकम हनी। कौन वारी जे आशु भाई दी, आशु भाई तो मैं ऐसा तोहफा लेके आई हूं, ऐसा लेके आई हूं कि याद ही करोगे। हेलो, 50 ml। याद तो रखूंगा मैं, 10 साल में एक तोहफा है जो वाकई तोहफा ही है। और ये बाबू जी के लिए मेरी तरफ से। दिखा देना पुत्र। वाह भाई विकी, एक तू ही है जिसमें कोई इंसानियत बाकी है। अपन भाई जी, जाके ना कोई मिंत तरला करो बाबूजी का, बड़े वट खा रहे होंगे कि अभी तक कोई मनाने ही नहीं आया। ये कब ली थी तूने? मैं बताता हूँ आपको। ओए ओ, सिर्फ नादाई सदाकत है, ओए
10 साल पहले वो इन्ने वड्डे नुकसान दा मैनू टीका ला कर गया है। मैं देख देख रखत खबरदार जे उनू तू मेरी किसी भी ब्रांच च वड़न दिता, नहीं ते फिर तेरी खैर नहीं। मैं थोड़ी देर तक तेरे नाल गल करना। बाऊजी, we want to talk to you. Please open the door. सच्चो, ज़्यादा अंग्रेजी मत चाड़, बाऊजी माइंड करेंगे। माइंड करेंगे? अगर अंग्रेजी नहीं बोलेंगे तो क्या पता लगेगा कि सच्चो से हालकुटी आई है 10 साल के बाद कनाडा से? कक फर्क नहीं पड़ा, 10 साल कनाडा रहने के बावजूद कक फर्क नहीं पड़ा। Don't you irritate me, okay? चल, date में। विक्की इधर आ यार, इधर आ। तू दरवाजा नॉक कर, हो सकता है बाऊजी तेरी आवाज सुन के खोलते हैं। हाँ, थोड़ा सबर कर लें, बाऊजी को थोड़ा सा टाइम तो दें। टाइम ही तो दे रहे हैं, 2 घंटे ऑलरेडी दे दिए, और क्या करें? मॉम, 10 साल का गुस्सा है, 10 मिनट या 10 घंटे में ठीक नहीं होगा। आप थोड़ा सा टाइम दें, आप जाके रेस्ट करें, अभी सुबह सामने बात करते हैं। आर यू श्योर? 100%। बाऊजी, बाऊजी, बाऊजी मुझे नीचे बैठाकर 100 चुतियां मार लो। अपने साथी से बात तो करो बाऊजी। बाऊजी दरवाजा खोलो। बाऊजी, डैड, तू चुतियां खा, मैं चलती हूँ सोन। डैड, चलें सुबह इस मामले में बात करते हैं। चलें, चलें, कह रहा हूँ ना सुबह बात करेंगे, मैं बात करूंगा उनसे। तुम क्या जानो इफ्फत इस 50 ml शीशे की कीमत? साकी और सज्जो का कोई कसूर ही नहीं है, मेरी हैसियत ही इतनी है 50 ml परफ्यूम जितनी, शीशी जितनी इस घर में। अपनी खुशी से लेकर आए हैं वो। हाँ जी, अंदाजा हो रहा है कितनी खुशी है। शर्मा हो यहाँ का काटा है। ये तो इतनी जल्दी सो गई, इसने तो कुछ खाया भी नहीं था। कैसी तबीयत है? सो रही है। ज्यादा खराब है? खुद रहा के पूछ लो। इरिटेट क्यों हो रही हो? तबीयत का तो पूछ रहा हूँ। में से हद होती है, इतने अरसे बाद सब घर में इकट्ठा हुए हैं, कम से कम विकी को तो टाइम दो यार। उसको टाइम देने के चक्कर में अपना टाइम निकाल दो। कुछ नहीं निकलता, उसका सामान मैंने तुम्हारे कमरे में रख दिया है, फिर ना से सुबह बात करना तो कहेंगे ना। तो मुझे क्यों मेरे मार रहे हैं सज्जू? आपकी खालाजाद बहन भी है, चचा जाद भी। इन्हें क्या हुआ है? 50 ml परफ्यूम की बोतल देखकर 150 पे पहुंच गया ब्लड प्रेशर। ओ कौन सी चचाजाद, कौन सी खालाजाद, देख लिया मैंने रिश्ता, वो तुम्हारे साकी साकी को ख्याल नहीं आया? ना साकी को इतनी अक्ल होती ना, तो इतने साल पहले बीवी के पीछे लग के सारा कारोबार छोड़ के बाहर ना चला जाता। आओ आओ, आजा बेटा आजा। क्या हो गया, आप लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? बेटे हम खुश बहुत है, इधर आओ, आ जाओ आ जाओ, आप भी दीदार करो। है ये देखो, आपका कनाडा वाला मामा जो है वो लेके आया अपने अकलौते बचे कुचे पनवैये के लिए। मेरी तो अपनी शर्ट का साइज छोटा है। और छोटी तेरी मामी की सोच है, जिसके मुताबिक ये छोटे तोहफे उसने मुंह पे मार दिए हमारे। हेलो, आहिस्ता बोले, मानी सुन लेंगी। वो बड़ी चीट है, वो उसे शर्म नहीं आनी। मेरे साथ धक्के खाती थी सियालकोट में, अब उसका ख्याल है कि वो जस्टिन ट्रूडो तो उसकी फूफी का बेटा है। छोटी जिन्नी जरा जिन्नी पोरी निकल कर पतंगा बना ली है। और छोटी जरा सी पोरी सी बात पे नहीं, ये छोटी जरा सी पोरी 50 ml की शीशी पे गौर करो, बिस्ती हुई है, हद तक के इज्जत हुई है। तुम्हारे शोहर नामदार मुसम्मी आशिक हुसैन एडवोकेट की। वैसे कह तो ठीक रहे आप। आए सदके मेरे बेटे के, शुक्र है
मेरी औलाद भी किसी बात पे मुत्तफिक तो हुई है। अब आप जॉगिंग करते हुए कमरे में ही आ गए, आपके यहाँ रिवाज नहीं है कमरे में नॉक करके आने का? नहीं पायना, हम फॉरनर तो बड़े पर्टिकुलर हैं, पर पायना ना प्रेशर है, बाबूजी बुआ नहीं खोलन दे, आओ ना जरा ना थोड़ा कूल हो आप जो बनी। हां तुसी ये अपना बैग पहले खोल लेने ना, असि श्री मंदिर दा गेट नहीं खोलना सी। मजाक कर रहे सजो, रात बड़ी होगी ना तो ऐसा कर, तू सो जा, सवेरे देख लेंगे बाबूजी को। हां मानी मैं आपको रूम तक ले जाती हूं। बेटा वो कौन सी अन्नी है, इसी घर से खज्जल ख्वार होके गई है। बाबूजी की ना वो फकी दे मुझे, बदहज़मी हो रही है बड़ी। जा बेटा जा। कदी बंदा चुप भी रह लेंदा है। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। यूज नहीं करना तो मैं रख लूं। चुप के तो नई फिल्मी शुरू हो गई है। कासिम तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब मैंने कह दिया कि मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस अप्पा के कान में डाल दो ये हिना वाली बात। मुझे अभी तुम बता दो किसके कान में क्या क्या डालना। यार तुम बस अब्बा को कन्विंस कर लो, बाकियों को वो मत्था खुद दे लेंगे। आई स्वेयर कासिम मुझे अभी बहुत नींद आ रही है। यार मेरी नींदें उड़ गई और तुम्हें जाने की पड़ी हुई है। कितनी सेल्फिश हो तुम यार। मेरा परवाह नहीं है। मेरी मुझे परवाह नहीं है। इसे बड़ी अफसोस की बात है, तुमने एक मिनट में सारे के धरे पे पानी फेर दिया है। बस बस रहने दो, जैसे हिना का नाम लेता हूँ नीली पीली हो जाती हो। तुमने भी तो उसे अपने सर पे सवार किया हुआ है, क्यों बनाया हुआ अपने सर का ताज? तो क्यों ना बिठाऊं, उसी की वजह से मेरे सारे ख्वाब पूरे होंगे इंशाल्लाह, देखना तुम। तुम देखो अपनी जागती आंखों से ख्वाब, मैं चली सोने। जब चला जाऊंगा ना सोती रहना सारी जिंदगी। पिया पिया रे मेरी अरज सुनो रे की गजब की यारे, दुनिया को छोड़ के इस जग को छोड़ के मैंने इश्क का कैसा ये रोग लिया रे, हो पिया पिया रे। सकी बेबी प्लीज गेट अप। सकी प्लीज गेट अप बेबी, आई हैव लॉस्ट माय बैग, आई एम रियली वरीड। क्या हुआ? प्लीज गेट अप ना। अब क्या हो गया? बैग गवाच गया मेरा। ये जो तूने लंडा बाजार खोला हुआ है ना, इसी में से लब जाएगा सवेरे बैग। नहीं लबन दिया ना, क्या जो रही है, उठ जा जरा मदद कर दे मेरी की। अच्छा जो अरे मेरे हाथ जोड़े में सख्त नींद आ रही है मुझे, सो जा। आई कांट स्लीप, किवें सोंगा मैं? ओदे जी मेरा पासपोर्ट सी, मेरे डॉलर सन, मेरा मेकअप सी, मेरा कैमरा भी ओदे जी सी। यार अद्धी रात को भी अंग्रेजी की जान नहीं छटनी, सौ जगह मिल जाएगा तेरा बैग सवेरे। खप पाई है पूरी। नहीं लबन दिया, नहीं लबन दिया। यार मेरी नींदें उड़ गई और तुम्हें जाने की पड़ी हुई है। कितनी सेल्फिश हो तुम यार। मेरा परवाह नहीं है। की वजह से मेरे सारे ख्वाब पूरे होंगे इंशाल्लाह, देखना तुम। जब चला जाऊंगा ना सोती रहना सारी जिंदगी।
सोई नहीं? नींद नहीं आ रही। तुम क्यों नहीं सोए हो? जेट लैग। क्या हुआ आप? परेशान लग रही हो? चंद घंटों में तुमने चेहरे भी पढ़ना शुरू कर दिए। मैं तुमसे मिला कम हूँ लेकिन तुम्हें जानता तो अच्छी तरह से हूँ ना। तुम्हें पता है बाबूजी से जब भी बात होती है ना तो बाबूजी सिर्फ तुम्हारे जिक्र करते हैं। मेरा बहुत लविंग है, मेरा बहुत केयरिंग है, मेरा बहुत सेंसिटिव है। और क्या कहते हैं बाबूजी? और ये कि बेला बहुत एम्बिशियस है। अबेला इस मुल्क की सबसे बड़ी यूनिट प्लानर बनेगी। इज इट? बाबूजी मेरे सामने तो ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे उनको पता ही नहीं है। अक्सर हम जिन बातों को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं ना, असल में हम उन्हीं बातों को सबसे ज्यादा सोच रहे होते हैं। बहुत गहरी बात है ये, मैं सोचूंगी इसके बारे में। जी मॉम। Where are you, Vicky? मैं घर में हूँ। क्यों, क्या हुआ? I have misplaced my red bag. Handbag misplaced हो गया? मॉम कहाँ misplaced होगा, घर में ही होगा, आप देखें मिल जाएगा। नहीं है ना घर पे। अच्छा मैं आ रहा हूँ, मैं चलता हूँ। ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾਕਤ ਨੇ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਮਾਰ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਾਊ ਜੀ, ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਆਪਕਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਕੇ ਬੇਟੇ ਔਰ ਬਹੂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮੀਨੀ ਹਰਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਦੋਵੀਂ ਸਾਕੀ ਤੇ ਫੀ ਫਰਾਡੀਅਨ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਫਰਾਡੀਅਨ। ਇੱਕ ਨੇ ਜਾਲੀ ਕਰਲਾ ਸੇ ਮੇਰਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲੁਆਇਆ ਤੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਤਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਲੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਚੋਰ ਕੇ ਘਰ ਕਾ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਲਤਾ ਕਭੀ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇ ਬੇਟਾ ਜੋਗਿੰਗ ਕਰਨੇ ਕਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਆਪਣੀ ਮੱਟੀ, ਆਪਣੀ ਖੇਤ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ, ਬੱਤੀਆਂ, ਲਾਲਟੈਨਾਂ, ਜਨਰੇਟਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾੜ ਕੇ ਹਨੇਰਾ ਖੁੱਪ ਕਰ ਲਿਆਂਗਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਹਾਂਜੀ डोंट वरी डैड, अभी तो एक ही दिन हुआ है। बाबू जी के जज्बात की बर्फ को पिघलने में अभी कुछ दिन तो लगेंगे। ओ ना बेटा जी ना, कानों को हाथ लगाओ, तौबा करो तौबा। आशिक पायन के होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं है। राकेट बता रहा था ये आशिक पायन ही है जो बाबू जी की चाबी कहते चाबियां भरते रहते हैं। डैड, बाप बेटे का रिश्ता ना किसी चाबी से खत्म नहीं हो सकता, ट्रस्ट मी सब ठीक हो जाएगा। अच्छा टिपड़ा यार, चल घर चल के देखें, वो तेरी माँ का बैग मिला कि नहीं मिला। यकीन कर पूरी रात कमरे को पुलिस चौकी बना के रखा है, होल नाइट सोया नहीं तेरा बाप। चलें पॉइंट, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। चलें, नया साथ में ना होता। है ना? पासपोर्ट भी था उसमें? हाँ, मेरा पासपोर्ट, मेरे डॉलर्स, मेरा सारा डिजाइनरों का मेकअप, मेरा फोन, 3 दिन कैमरों वाला, सारा कुछ ही था उसमें।
और कहीं टैक्सी में तो नहीं भूल आई? नहीं, अंदर लेके आई थी, उसमें से मैंने अपना वो वेट टिश्यू निकाल के मुंह वाइप किया था, बता दो अपने डैड को। हाँ सही कह रही है, परसों मैंने मॉम के हाथ में देखा। देखा सारो नहीं है, पर पता नहीं गया किथे है ना। आहिस्ता आहिस्ता, ज्यादा खप ना पा। ओ मैं ना तरीके से बेला से पूछता हूँ, हो सकता है नीचे लाउंज में ऊपर नीचे हो गया हो। गद्दियां ही पानियां रह गई हैं ना, तो मैं हर पासे बेच रहे। निक्की खाला की कॉल आ रही है। डोंट आंसर, बिल्कुल ना आंसर करना। उनको पता लग गया कि हम यहाँ आए हुए हैं तो सारा प्रोग्राम ही बर्बाद कर देना। वो प्रोग्राम तो बर्बाद कर ही दिया तुमने, अपना बैग गवा के। मैं गवाया बैग? चंगी गल्ला बेकार दियो तुसी। तेरे घर वाले ने इधर उधर कीता होना है। डॉलर देख के तो किसी की भी नीयत खराब हो जाती है। मॉम आहिस्ता बोले, किसी ने सुन लिया तो हर्ट होगा। मैं नहीं हर्ट हुई, सारी रात मैं सोई नहीं हूँ। मेरा पासपोर्ट ना मिला तो मैं वापस ही चले जाऊंगी। लो दसो, पिंड वस्या नहीं उचक के पहले पै गए, तो तेरी माँ को वापस जाने की पड़ गई है। छोटी बच्ची थी जो बैग नहीं संभाल सकी अपना। ऐसा कैसे हो सकता है कि हिना रूम में ना हो? मैं देख के आ रही हूँ, नहीं है। तुम चलो देखते हैं। मैंने कोई एक्सरे मशीन फिट कर रखी है, जाकर देखो वॉशरूम में होगी। वॉशरूम, बेडरूम, लाउंज, लॉन्च हर जगह देख लिया है, नहीं है। सामान तो है ना उसका? सामान भी नहीं है। वासिम, मुझे लगा तुम्हारे साथ धोखा हो गया है। देखी शक्ल खोजिए, कम से कम बात तो अच्छी करें। उस अमरीकी छिपकली से बेहतर है मेरी शक्ल। हेलो, मिस वर्ल्ड का टाइटल मिलते मिलते रह गया उसे। देखिए तुमने पीएचडी कर लिया तंस करने में, चलो देखते हैं, आओ। यार क्या मुसीबत है। यहाँ रखा था मैंने बैग ना, तो फिर किधर चला गया? आई डोंट नो, आई एम ब्लैंक। हर जगह ढूंढ लिया, कहीं पे भी नहीं है। यार कहाँ गई? इडियट, तुम्हें लगता है बिस्तर के नीचे होगी? तो और कहाँ देखूं तुम्हारे सर में? तुम मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? जब से आई थी ना वो तुम्हारी आंखों में खटक रही थी। तुमने तो बड़ा सर का ताज बनाया था, तो तुम्हें क्यों दगा दे गई? मेरी बात सुनो, ये तुमने तो कुछ नहीं कहा उसे। तो पागल भागल तो नहीं होगा? तुम्हारे दिमाग की फिरकी तो नहीं फिर गई है? मेरे पांव के नीचे से जमीन ही निकल गई है। अब ऐसी भी कोई हेलेन ऑफ ट्रॉय नहीं थी वो। समझ में नहीं आता गई कहाँ। मुझे तो लगता है कहीं तुम्हारे पैसों से शॉपिंग करने तो नहीं चली गई। इसे तो उससे मैं एक मिनट में निकलवा लूंगा। वो छोड़ो, पहले ये सोचो घर वालों के दिमाग से बात कैसे निकलवाओगे, पूरे घर में टेंशन फैली हुई है। वो इधर किसका जुलूस निकलने की तैयारी हो रही है? वो सज्जा का बैग नहीं ना मिल रहा? ये वो वाला बैग है ना जिसमें वो 50 ml परफ्यूम की शीशी रख के लाई थी वही? बैग को आज गया तो उनको और सुजन डे ने वो हॉल तुसी कीता सी राती, ओ निक्के निक्के गिफ्ट देके रखा। कहां था बैग? यहां रखा था, पता नहीं कौन उठा के ले गया। ओदे अपने खामिन नु पूछ जिन्नू दूसरे दे माल ते हाथ साफ करन दी आदत ते सानू के खुशी चोर बना रही। ओ नहीं नहीं बाऊजी, सचो का ये मतलब नहीं था। ओ दुरण दे, तू एदे मतलब दी तशरीह न कर, मैं जानना मां जिथे दी सोच खत्म होंदी है उत्थों मेरी सोच शुरू होंदी है। जेड़े चार दिन रहना सुकून नाल रवो इत्थे, नहीं ते फुटा खाओ सारे। सज्जो बाऊजी की बात का बुरा ना मनाई, मिल जाए के तेरा बैग ढूंढ लेंगे, मैं अबेला मिलकर इधर ही कहीं होगा। वैसे बाय द वे था क्या उस बैग में 50 ml परफ्यूम की शीशी के अलावा? फोन बंद कर दिया। फोन नहीं बंद किया, मेरे खिस्मत का दरवाजा बंद कर दिया।
तुम अपनी जबान बंद कर सकती हो? मेरी जबान तो बंद करवा लोगे, घर वालों का मुंह कैसे बंद कराओगे? तुमने तो कहा था दे दो पैसे उसे। हाँ लेकिन मैंने ये नहीं कहा था किसी भी हरे घरे पे ट्रस्ट कर लो। घर वालों को क्या जवाब देंगे? मैं कह दूंगी उसकी दादी मर गई थी जिसे अचानक जाना पड़ा। बेला पैदाइशी इतनी बेवकूफ हो, ये कैफियत कभी कभी नाजिल होती है। ठीक है एक काम करना, कहना दादी नहीं मर गई थी, मैं उस पे पागलों की तरह मर गया था और वो मुझे बेवकूफ बना के चली गई। एक काम करो निकलो यहां से, निकलो। तूने तो मुझ पे क्यों चलता है? खुदा का वास्ता कुछ सोच ले तो मुझे। तो पूरा यकीन सज्जू मानी का बैग भी उसी ने चुराया, शक्ल से देखने में चोर लग रही। मेरे रहा बैग पता नहीं किधर चला गया। और तुम दोनों क्या इधर कॉर्नर मीटिंग कर रहे हो? हैं वो मैं बासन को बुलाने आई थी। वो कहाँ है तुम्हारी सहेली? उसको भी बाहर ना निकालना, अंदर ही रखो, एक दंगल मचावे नीचे। वो वॉशरूम में। तू भी वॉशरूम जाके ना कुछ छिट्टे मार ले मुंह पर। जी। लग रहा है पता नहीं कोई कारोबार में घाटा हो गया। जाओ मुंह धो जाके। मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर मेरा बैग गायब किया इस घर में। मॉम कुछ तो खुदा का खौफ करे, कैसी बातें कर रही हैं आप? ले खुदा का खौफ ही मैं ही करना है। मेरे कैनेडियन पासपोर्ट का मामला है, वो तो $1,000 भी है इसी बैग दे विच, जरा कन्वर्ट करना आज दी डेट च किन्ने पैसे बंदे ने। 1,26,000 194 भी ऐड कर विच। ओ तेरा बैग जा का सकता है। तो मान ना मान, मुझे तो लगता है बाऊजी ने ही कोई साजिश की है, बदला लिया है मुझसे। बाऊजी बाऊजी क्यों करने लगे साजिश से? और किस बात का बदला? उस ससुर समझ के नहीं तो मामू समझ कर लिहाज कर लिया कर थोड़ा। ओए फिया बाप छोड़े इसे, ये तो कमली हो चुकी है। शर्म कर साकी, शर्म कर। 10 साल पहले ज्यादती करके गए थे तुम लोग यहां से और अब वापस आए हो तो इतना कीना पाला हुआ बाऊजी के खिलाफ तुमने? फूफो मॉम का ये मतलब नहीं था। रहन दे काका, पर्दे ना पा। अगर मैं तेरी पुप्पो हूं ना तो ये भी मेरी पुप्पो की बेटी है, तो ज्यादा समझती हूं मैं इसको। कल्ला वोट था इस घर में हमारे हक में, उसे भी खिलाफ कर दिया। तू वोट जमा करके इलेक्शन ला ली, मैंने अपना बैग चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, बस। बासिम क्या क्या कर रहे हो? मैं तो मैसेज कर रहा हूँ। हाँ जैसे वो तुम्हारे मैसेज का इंतजार कर लिया ना, उठो पॉकेट को बुलाओ, एजेंट की तरफ जाओ। एजेंट के पास क्या घास चरने जाएगी वो? नहीं वो गई होगी बताने के लिए कि मुझे एक और ऐसे डफर ढूंढ दें। ये जो तुम्हारी जबान की धार तेज होती जा रही है ना, देख लूंगा तुम्हें। मुझे मत देखो, जाके उसे देखो, जाओ। सर तोड़ दूंगा तुम्हारा अगर कोई फजूल बात की तो। हाँ और अगर खाला को पता चल गया ना तुम्हारी टांगे तोड़ देंगी वो। उनको तो सिर्फ अभी मामी के बैग की टेंशन है। सज्जू मारी तो खुद बॉक्स ऑफ टेंशन है। जा रहा हूँ एजेंट के पास, दुआ करना। तनी भागी क्यों वो? जब से पैदा हुई हूँ तुम्हारे लिए दुआएं तो कर रही हूँ। ओ नसदा होवे जिदी नियत विच खोट होवे। 10 साल पहले चोरां दी तरह मेरा प्लाट बेच के निकल गया सी ये। बाऊजी मिट्टी पाओ ना, अब भूल भी जाए उस प्लाट को। वो क्यों मिट्टी पाए भाई? उसे कहो हाँ भूल जाए अपना बैग, देखता हूँ कैसे भूलती है। लो बाऊजी मर ना जाए वो ये फर्ज करके भी। ओ बाऊजी वो तो बुखार नहीं देती अपना किसी को। आ, सानू शर्म नाल मर जाना चाहिए उदा ये इल्जाम सुन के। बाऊजी इल्जाम तो ना कहे ना, बैग तो उसका गायब हुआ है हमारे घर से। और रहन दे तू इफ्फत आशिक हुसैन, और तू नहीं जानती बड़ी फप्पे कुटनी है ये सज्जो, वो प्रेशराइज कर रही है बाऊजी को, टोपियां करा रही है बस। लगता तू PhD की हुई है सज्जो से। तो भी इग्नोर कर उस काठी अंग्रेजनी नो। हाँ जी सीरियस लेने की तो कोई जरूरत ही नहीं, जैसे उसने सीरियस नहीं लिया हमें हमारे गिफ्ट खरीदते वक्त। वैसे शाबाश ये, आगे पीछे तो आप ससुर जवाई की बनती नहीं है जरा भी, और जब बात होती है ना सज्जो निकी पापी की तो आप दोनों का ये गठजोड़ जो है ना देखने वाला होता है। बाबूजी जेलस हो रही है आपकी बेटी है। अल्लाह सलामत रखे साड़ी अंडरस्टैंडिंग किसी की नजर ना लेना।
बैठो जी, मैं जरा देख के आता हूँ कि कौन सी करारदाद पास हो रही है हमारे घर के सेनेट में, है जी? आ, ना ले उन्हें कह नहीं, इस बारी बाबे नू हल्का ना लेना। जियो बाबे, जियो।